हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आलमी शोहरत याफ्ता जनूबी कोरियन बैंड BTS के मेंबर किम सिविक जिन ने लाजमी फौजी सर्विस आगाज़ करने से पहले अपने फैंस के लिए एक इमोशनल वीडियो मैसेज रिलीज़ किया था। इससे पहले कि हम आपके साथ ये मैसेज शेयर करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, ऑल बॉयज़ बैंड BTS के तमाम मेंबर्स इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने फैंस को ये महसूस ना होने दें कि किम सियुक जिन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और इस वक्त वो उनके साथ काम नहीं कर रहे हैं। कोरियन बैंड के सबसे बड़े मेंबर गुलकार किम सियुक जिन ने अर्जेंटीना ट्रैवल डायरी पर मुश्तमिल एक वीडियो में अपने फैंस के लिए एक इमोशनल वीडियो मैसेज शेयर किया है। ये वीडियो उनके लाजमी फौजी सर्विस के लिए रवानगी से कबल बनाई गई थी। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में अपने फैंस से कहा कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, मैं एक आम शहरी नहीं रहूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ कैमरे के सामने इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मैं अभी आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वापस आऊँगा, बस आप थोड़ा इंतज़ार करें। उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि आज के लिए बस इतना ही, अगली बार जब मेरे पास वक्त होगा तो मैं एक और वीडियो शेयर करूंगा। वाज़ह रहे कि कोरियन पॉप बैंड BTS के तमाम मेंबर्स ने जनूबी कोरिया के कानून के तहत अपने लाजमी फौजी फराइज सर अंजाम देने के लिए म्यूजिक से ब्रेक लिया है। फौजी फराइज सर अंजाम देते हुए BTS के मेंबर्स का बतौर बैंड एक साथ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, इसलिए फिलहाल BTS के मद्दाह अपने पसंदीदा कोरियन गुलकारों के सिर्फ सोलो गानों से ही लुत्फंदोज हो सकेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।